अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर इंग्लिश लेक्चर नंबर 9। नाउ ओपन द नेल्सन इंग्लिश प्यूपिल बुक 5। ओपन द पेज नंबर 17। 17 पार्ट पे वोकैबुलरी है, ये भी हमारे इंग्लिश कंटेंट का ही पार्ट है। इस पे उन्होंने लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिस तरह क्या होता है ए बी सी, यानी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, इसी तरह थ्रोन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। इट इज़ ईजी टू फाइंड द वर्ड इन अ डिक्शनरी बिकॉज द वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो ये जो पार्ट कह रहा है उसमें कह रहा है कि अगर आप डिक्शन से इसको देखें तो डिक्शन में सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करके लिखा गया होता है, वहाँ से आपको ये पार्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इफ़ द वर्ड बिगेन विद द सेम लेटर, you need to look at the second, third or fourth letter in each word. Student, जैसा कि वो कह रहा है, अब इस पर आ जाए स्कूल पे। स्कूल पे फर्स्ट लेटर आगे स्कूल, सेकेंड स्पेंड में सबका फर्स्ट लेटर एस एस है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट लेटर सेम हो तो हमें सेकेंड वाले लेटर को देखना पड़ता है, सेकेंड वाले लेटर के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ाबेट करना पड़ता है, यानी सी, सी के बाद क्या आता है ई, यानी ए बी सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इसी तरह आगे भी ई ओ ए। अगर वो कह रहे किसी जगह पे तीन जो वर्ड होते हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं, हमें फोर्थ वर्ड के अकॉर्डिंग उसको अल्फ़ाबेट करना पड़ता है। जैसे अगर आप ये नीचे एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जिसमें दिस एग्जांपल फ्रॉम आर डिक्शनरी शो वर्ड्स ऑर्गेनाइज बाय देयर फोर्थ लेटर, देखा जाए तो थ्री लेटर इस पे चारों वर्ड के सेम है, क्रॉस में सी आर सेम है, सी आर ओ सी आर ओ सी आर। नेक्स्ट जो फोर लेटर है उसका वो क्या है डिफरेंट है, तो डिफरेंट फोर वर्ड से हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी क्रॉस वर्ड एस पहले आता है, एस के बाद टी आता है, क्रॉचेट में यानी एस के बाद टी आया, टी के बाद यू आता है और यू के बाद डब्ल्यू आता है, यानी मैंने फोर्थ लेटर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करके लिख दिया। क्लियर है, ये सारा पार्ट तकरीबन इसी तरह होगा। नेक्स्ट आ जाए, राइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी उन्होंने आपको वर्ड्स फोर दे दिए हैं, इनको आपने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करके तरतीब से लिखना है। यहाँ पे आपको मैं नंबरिंग करवा दूंगी कि फर्स्ट वर्ड कहाँ पे आना है, सेकंड कहाँ पे आना है और थर्ड कहाँ पे आना है। जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर में देखूँ तो क्या आएगा, वैल्यू, यानी वी के, वी सबका सेम है। नेक्स्ट वर्ड में मैंने देखा ए पहले आता है, नेक्स्ट पे ए के बाद हम ई को कंसिडर करेंगे, तो सेकेंड वर्ड क्या होगा वैल्यू के बाद हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्या लिखेंगे, वैट, वैट के बाद क्या लिखेंगे विक्ट्री, विक्ट्री के बाद क्या लिखेंगे वेल, वीला, यानी अल्फाबेट ऑर्डर क्या बना, वैल्यू वैट विक्ट्री वीला। बाकी सारा पार्ट भी तकरीबन इसी तरह ही होगा। फर्स्ट वर्ड में क्या आ जाएगा सेक्ट्री, सेकंड वर्ड हो जाएगा सेंसिबल, थर्ड हो जाएगा सिक्वेम और फोर्थ वर्ड हो जाएगा सेशन। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाए पुलिस, प्ल्यूट, पोनी, पुअर। जिस तरह फोर्थ वर्ड की तरफ देखें, फोर्थ वर्ड में डी जो है सबका सेम है, यानी टू लेटर सबके सेम है, बल्कि अगर देखा जाए तो थ्री लेटर सेम है, डी आर आई डी आर आई डी आर आई, थ्री लेटर सेम है, तो फोर्थ के अकॉर्डिंग हम इसको तरतीब से लिख देंगे। फर्स्ट वर्ड में क्या आ जाएगा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन ढेर, किसी चीज़ का अंबार होना, सेकेंड पे ड्रिल, थर्ड पे ड्रिप, फोर्थ पे ड्राइव, इसी तरह फाइव में फर्स्ट पे माइग्रेट, सेकेंड पे माइल, थर्ड पे मिल्क और फोर्थ पे माइंड। नेक्स्ट वन है फर्स्ट पे इग्नाइट यानी आग लगाना, सेकेंड पे क्या आ जाएगा इग्नोर, थर्ड पे इंसिस्ट और फोर्थ पे इंस्पेक्ट, यानी अल्फाबेट ऑर्डर में आपने देखना है, फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो सेकंड को फॉलो करना है, सेकंड सेम है तो थर्ड को फॉलो करके इसी तरह इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख देना है। नाउ मूव टू द बी पार्ट, चूज सिक्स ऑफ योर ओन वर्ड्स, ईच वर्ड मस्ट बिगेन विद द सेम टू लेटर, फॉर एग्जाम्पल एच ई डी जी एच ही। तो क्या होगा अगर हमारे फर्स्ट टू लेटर सेम हो और नेक्स्ट वालों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमने सिक्स वर्ड को सर्च आउट करना है और इसको अपने इंग्लिश कॉन्टेंट की नोटबुक के ऊपर लिखना है।
स्टूडेंट बी पार्ट जो मैंने कहा था उसी की स्टेटमेंट मैंने लिखी है। ये स्टेटमेंट आपने ब्लू पॉइंटर से अपने ये काम अपने इंग्लिश कंटेंट की नोटबुक पे करना है और ब्लू पॉइंटर से लिखना है। चूज सिक्स ऑफ योर ओन वर्ड, ईच वर्ड मस्ट बिगिन विद द सेम टू लेटर, यानी इसके पहले दो अल्फाज एक जैसे हो। स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आए फर्स्ट टू लेटर मैंने वो लिख दिए, आपको भी जो समझ आता है अगर इससे हट के कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन ये याद रखें कि इसके टू लेटर जो हों वो सेम हो, ए जी भी हो सकता है, ए पी भी हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन फर्स्ट टू लेटर सेम हो। जैसे मैंने लिखा अंगेंस्ट, अंगेंस्ट में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, एजेंट में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, डेली में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, डैमेज में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, इसी तरह ईच में भी फर्स्ट टू लेटर सेम और अर्ली में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, गेन में भी फर्स्ट टू लेटर सेम और गेम में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, मैड में भी फर्स्ट टू लेटर सेम और मैच में भी फर्स्ट टू लेटर सेम, इसी तरह लेबर में भी एल ए सेम और लैक में भी एल ए सेम। ये भी स्टूडेंट ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट के नीचे लिखा हुआ है राइट द वर्ड यू हैव चूजन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी मैंने जो अभी आपको दिखाए हैं ये वर्ड, उन्होंने कहा इन वर्ड को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा है। देखिए ए जी के बाद जो थर्ड वर्ड है वो ए है और यहाँ पे थर्ड वर्ड जो है वो ई है, मैंने इनको पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके लिखा है, यानी अंगेस्ट में ए पहले आया फिर ई आया, इसी तरह डेली में आई पहले आया और फिर एम आया, यानी मैंने ये सारे अल्फाज पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके लिख कर आपको दिखा दिए। स्टूडेंट लुक इन द डिक्शनरी एंड फाइंड फोर वर्ड दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर, यानी जिसके पहले तीन अल्फाज सेम हो एंड ऑर्डर अल्फाबेटिकली बाय देयर फोर्थ लेटर और फोर्थ वर्ड जिसका सेपरेट हो, जैसे ही आपको एग्जांपल में दिखाया गया है इसी तरह हमने फोर वर्ड और सर्च आउट करनी है। इसको भी ये जो पार्ट आपने अपनी इंग्लिश कॉन्टेंट की नोटबुक पर करना है। स्टूडेंट ये पार्ट आपने पॉइंटर से लिखना है इंग्लिश कॉन्टेंट की नोटबुक पर। लुक इन द डिक्शनरी यानी सी पार्ट है ये आपका, लुक इन द डिक्शनरी एंड फाइंड योर वर्ड दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर एंड आर ऑर्डर अल्फाबेटिकली बाय देयर फोर्थ लेटर, यानी मैंने ये फोर लेटर लिख लिए एब्सेस एब्सेंट एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट, फोर लेटर लिख लिए और इनको मैंने अल्फाबेट भी कर दिया, यानी ए बी एस सेम है इसमें भी आप देख सकते हैं तीनों में सेम है और फोर्थ लेटर पे पहले सी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है, नेक्स्ट पे ई आया फिर ओ आया, अगर ए बी सी में देखें तो ये बाद में ही आते हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, बायोग्राफी, बायोलॉजी, बायोप्सी, इसमें भी फर्स्ट थ्री लेटर सेम और फोर्थ वाले को अल्फाबेटिकल करके लिख दिया गया है। एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कोई आग बुझाना, एक्सट्रॉ और एक्स्ट्रा, इसमें भी फर्स्ट थ्री लेटर सेम और नेक्स्ट वाले को अल्फाबेट करके लिख दिया गया है। मार्केट, मार्मलेट, मैरिज और मार्श, इसमें भी थ्री लेटर सेम और फोर्थ वाले को अल्फाबेट करके लिख दिया गया है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अब इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है और साथ के साथ याद भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।